आपने इतिहास में कई ऐसी रानियों और राजकुमारियों के बारे में पढ़ा होगा जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी और इतिहास के पन्नों में उनका सौंदर्य अमर है। आज हम आपको एक ऐसी ही राजकुमारी के बारे में बताने वाले हैं। ये है मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा। जिसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। क्लियोपेट्रा को ना सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि उसका जीवन भी काफी रहस्यमय रहा था जो आज भी खोजकर्ताओं को उसकी तरफ आकर्षित करता है। कहा जाता है कि वह जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी भी थी। वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोह पास में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी। उसके बारे में अनेक किस्से कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। कहते हैं क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था। यही कारण था कि वह बहुत जल्दी से किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी और इसी के चलते उसके सैकड़ों पुरुषों से संबंध थे। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा ने हर अच्छा बुरा पैंतरा आजमाया। क्लियोपेट्रा के बारे में एक बात और भी प्रचलित है कि वो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए हर रोज 700 गधी के दूध का इस्तेमाल अपने नहाने के लिए करती थी। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की आयु में क्लियोपेट्रा और उसके भाई टोलेमी दियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की सत्ता सहन हुई और बगावत हो गई। क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में जाकर शरण लेनी पड़ी, मगर इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया और सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। लेकिन क्लियोपेट्रा से प्यार ही बाद में सीजर की मौत का कारण भी बना। सीजर के बाद ऑक्टेवियन रोम का शासक बना, लेकिन वो क्लियोपेट्रा के रूप जाल में ना फंसा और उसने क्लियोपेट्रा की हत्या करवा दी। क्लियोपेट्रा की मौत भी आज तक एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा की हत्या नहीं हुई, उसने जहरीले सांप से कटवाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि कुछ लोगों ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि उसकी मौत जहरीले पदार्थ के सेवन के कारण हुई थी। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। 1963 की फिल्म में हॉलीवुड स्टार लिज टेलर ने क्लियोपेट्रा की भूमिका निभाई थी और इस रोल ने उन्हें अमर कर दिया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। इतिहास पर आधारित इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल वाले बटन को भी दबाएं।